हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ओके, इसमें हम देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और इसकी क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। देखिए, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्लास इलेवंथ के स्टूडेंट्स को, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को। क्लास इलेवंथ का ये टॉपिक है वेन डायग्राम, और ये मैम MCA स्टूडेंट्स के लिए भी है, BCom के लिए भी है, BCA स्टूडेंट्स के लिए, सब में ये वेन डायग्राम का टॉपिक है। तो इसलिए मैंने सोचा इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो क्यों नहीं डिस्कस किया जाए। ओके, तो देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम एक रिलेशनशिप होता है सेट्स का, जिसको हम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम्स। जो रिलेशनशिप होता है सेट्स का, उसको हम डायग्राम्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ओके, उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। दिस ये है यूनिवर्सल सेट। ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये होता है हमारे यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हमारे दो एलिमेंट्स है, ये ए और ये बी। ठीक है, ए सेट है और ये बी सेट है। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनता है। इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम आपको पता चल गया क्या होता है। जो भी सेट्स के रिलेशनशिप होते हैं सेट्स के बीच में, दो देखिए एक सेट में तो रिलेशनशिप होगा नहीं, तो हमें दो या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच की बात करनी होती है। तो दो सेट्स में जब रिलेशनशिप होता है, तो उसको हम जब डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। चलिए अब हम ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन होता है हमारा ए यूनियन बी। क्या होता है ए यूनियन बी, देखिए ये सिंबल होता है यूनियन को रिप्रेजेंट करने का, और इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, यूनियन को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे रीड आउट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी, वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में आते हैं। ठीक है, मतलब या तो ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। देखिए जैसे कैसे ए में सपोज हमारा ए सेट है 1 2 3। ठीक है, बी के क्या एलिमेंट्स है, 2 4 5। अब हमने क्या बोला, यूनियन मतलब जो ए और बी दोनों पूरा का पूरा मिला के, उसको हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। रिपीटेशन, ये दोनों में जो आ रहे हैं, जो दोनों में जो नहीं आ रहे, जो दोनों के जो सेट होंगे वो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट्स ऑफ ऑल सच डैट, इसको सच डैट पढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b। अब देखिए इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखिए, पहले हम दो सेट्स बना लेंगे a और b। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, फिर इसके अंदर हमारे दो सेट बन गए, और इन दोनों का मैंने क्या बोला, यूनियन क्या होता है, ये दोनों पूरा का पूरा, तो ये पूरा जो a और b दोनों को मिला के जो होगा वो हमारा यूनियन हो जाएगा। आई होप यूनियन आपको समझ में आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं, जो कि होता है हमारा इंटरसेक्शन। क्या होता है हमारा सेकंड ऑपरेशन स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन, जो कि इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ये इसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, अब हम इसको क्या रीड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। और देखिए इंटरसेक्शन में होता क्या है, ऑल एलिमेंट्स विच आर इन कॉमन टू बोथ ए एंड बी, वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है ए और बी में, ऑल एलिमेंट्स विच आर इन कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो कि ए और बी दोनों में आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। चलिए हम इसको पहले यहाँ से पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए ए का सेट क्या है, 1, 2, 3। मैंने सारे एग्जाम्पल सेम लिया, डोंट वरी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए सेम इसमें यूनियन होता तो क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5 सारा आ जाता, क्योंकि इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या बोला है, ऑल एलिमेंट्स विच आर इन कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन है, जो ए में भी आ रहा है और जो बी में भी आ रहा है, उसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। देखिए 1 आ रहा है,
ए में, बी में है नो, टू आ रहा है ए में, यस बी में है यस, तो टू कॉमन हो गया। थ्री, थ्री आ रहा है क्या इसमें, नहीं थ्री इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा जो कॉमन होगा वो क्या होगा, सिर्फ टू होगा जो दोनों में आ रहा है। ओके नाउ अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ए जो वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ग्राफिक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये ए है एंड दिस इज बी सेट, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए ए सेट पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ए कहाँ तक है, यहाँ तक पूरा, दिस इज ए, ठीक है, एंड बी, बी को हम देखें तो बी कहाँ कहाँ है, यहाँ ऐसे, ये पूरे सर्कल का बी है। अब कॉमन कहाँ आ रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन में कॉमन आ रहा है, दिस इज हमारा इंटरसेक्शन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन आ रहा है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी भी। नाउ अब हमारा थर्ड आता है, थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं इससे, इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बी भी बोलते हैं, डिफरेंस इस तरीके से निकलता है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको रीड आउट करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों सेट्स का। अब ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी, वो सारे एलिमेंट्स ए के जो कि बी के एलिमेंट्स नहीं है, ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ए और बी, वन टू थ्री, बी सेट इज टू थ्री फोर, बी का क्या क्या एलिमेंट्स है, टू थ्री टू फोर फाइव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये देखें ए के एलिमेंट वन हो गया, जो बी में नहीं है टू है, तो टू को नहीं लेंगे, थ्री ए में है बट बी में नहीं है, तो थ्री हो जाएगा ए के एलिमेंट। अगर सपोज यही मैं बोलती बी कॉम्प्लीमेंट्स ए, तो इट विल इक्वल्स टू, ये वो होता ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो बी का देखिए टू एलिमेंट जो कि ए में है तो टू नहीं लेंगे, फोर ए में है नहीं तो फोर हो जाएगा, फाइव ए में है नो बी में है, तो इसलिए इसका एलिमेंट ये हो जाएगा। ओके अब हम इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके अब इसका ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज ए दिस इज बी, ये पूरा ए सेट है, ये पूरा बी सेट है, ए ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ठीक है, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। देखिए अगर एक ए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो बी में नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये वाला होगा, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके आई होप आपको समझ में आ गया, हमने वेन डायग्राम इसमें बहुत अच्छे से कर लिया है, वेन डायग्राम में क्या होता है, ये इसके तीनों ऑपरेशंस पढ़ लिए। अगर आपको यही समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सारे ही एग्जाम्स में, चाहे वो इलेवेंथ क्लास में हो, चाहे वो बीसीए स्टूडेंट्स हो, वो एमसीए स्टूडेंट्स हैं, अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है बीसीए और एमसीए में, तो उसमें आपका ये ज़रूर से ज़रूर आएगा, और इलेवंथ क्लास में ये ज़रूर से ज़रूर एक वेन डायग्राम आता ही आता है। ओके तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक करते रहिए करते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए सो डैट कि आपके फ्रेंड्स को भी ये समझ में आता रहे। ओके एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ बीसीए का जो जून का क्वेश्चन पेपर है, उसका जून 2015 का जो हम क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू कर रहे थे, उसका नेक्स्ट मैं लेके आने वाली हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा वेन डायग्राम पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपको वेन डायग्राम के बारे में समझ में आ जाए। ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।